नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी नीट एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि सर, 10th 12th की मार्कशीट का तो काउंसलिंग में बहुत बड़ा योगदान रहता है, 11th की मार्कशीट का क्या योगदान रहेगा, या फिर 11th में कितनी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। इस प्रकार की अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, हो सकता है मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कई बार ट्रस्ट ना हो, लेकिन दोस्तों एलन कैरियन इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान, जो कि इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, उसके जो मेडिकल काउंसलर हैं मिस्टर पारिजात मिश्रा सर, उन्होंने 11th की मार्कशीट को लेकर क्या कहा है, आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, बोर्डिंग एग्जाम हो, जेईई मेन हो या नीट हो, इन सब की समस्या के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐप फिलो बन चुका है, जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप उसका फोटो खींच के इस ऐप पर अपलोड कर सकते हो। 60 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो मिल जाएगा। इसके अलावा इस ऐप पर दोस्तों लाइव कॉलिंग की सुविधा है, आप लाइव कॉलिंग के माध्यम से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। जो आपने छोटी आंखों से बड़े सपने देखे हैं, उनको पूरा करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही शानदार है। अवनीश त्रिपाठी लिखते हैं कि सर, क्लास 11th में 46% है, कोई प्रॉब्लम? अवनीश, मैं बता दूं कि 11th की परसेंटेज से इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। आप ये चीज मान के चलें कि आपको जो 12th की जो परसेंटेज है, बेसिकली वही चीज काम आती है। 12th का परसेंटेज जो है आपका, वो 50% पीसीबी का होना चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, और एसटी एससी और ओबीसी एनसीएल के लिए वो चीज़ 40% पीसीबी एंड पास इन इंग्लिश होना चाहिए। इसमें आपको थ्योरी में भी पास होना कंपलसरी है, ठीक है? तो ये चीज़ आप देखें, एलिजिबिलिटी आपका अगर 11th का 46% भी है तो उसमें आपको ही घबराने की जरूरत नहीं है। सैंडी कालवा लिखता है, 11th का रिजल्ट आगे कभी काम आएगा? बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 11th की मार्कशीट भी लगती है, एमपी में लगती है, हमारे राजस्थान में लगती है, और कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पर 11th की मार्कशीट भी वो लोग मांगते हैं। तो आपको 11th की मार्कशीट अपने पास तैयार रखनी चाहिए वेन एवर योर काउंसलिंग इज अनाउंस, और उसके तहत आप आना चाहिए, ठीक है? पारिजात सर ने बताया, ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इन पर ट्रस्ट करें, और आने वाले समय में ऐसी अपडेट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद,